बहुत खुशी मिल रही है कि हर कलाकार इसीलिए काम करता है कि उसे अप्रिसिएशन मिले, उसे लोगों का प्यार मिले, लोगों के दिल तक पहुंचे, और ये उसका प्रूफ होता है कि हम वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी है और मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ विकी को जिन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, इंडियन सेलिब्रिटी अवार्ड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, जो न्यू टैलेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे जैसे लोगों को ये चीज़ें मिलती जाती हैं, अवार्ड मिलते जाते हैं, तो और ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट आता है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस होता जाता है कि हमें और आगे काम करना है, और शिल्पा शिंदे मेरी जान की तरह बनना है। तो जो कमिटमेंट किया गया था आपको ऑर्गेनाइजर से, वो कमिटमेंट किया गया कैसा कम, मतलब रिगार्डिंग गिविंग द अवार्ड्स और समथिंग, क्योंकि हम लोग को कमिटमेंट किया था डायमंड्स मिलेंगे, डायमंड्स मिले नहीं। डायमंड्स के बारे में क्या कहना चाहिए, मुझे कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं, मेरे बार डायमंड दो तीन बार ऊपर बुला लिया, लेकिन अभी तक दो तीन बार ऊपर बुलाया भी उनको। डायमंड से कमिटमेंट क्या गया था, डायमंड डायमंड ये हमारे लकी विनर है, ये लाल और ऊपर वाला ऊपर इन्हें दिया जाना था, एक लकी विनर हमारे साथ आ रहा है, और ये हां हां तो ये देखिए आप हैं, हां मैं हूं, ये लकी विनर है हमारे, इन्हें डायमंड दिया जा रहा है, थैंक यू सो मच। टिंकू सर सेंटर सर सर हमारा क्या है, ये मेरा है, अच्छा आप तेरे, ये तीसरी बार हो रहा है, थैंक यू सो मच सर। को मैम आप बताएंगे बस, कोशिश किया उन्होंने करने के लिए, कोशिश अच्छे होते हैं, कोशिश करना अच्छी बात होती है, उसने कोशिश किया जितना हो सका इतना किया, और आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस। आज आपको अवार्ड मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा मुझे इनकी तरफ से हमें अवार्ड मिला, और ऐसे ही आगे सक्सेसफुल होते रहे, थैंक यू, थैंक यू। अवार्ड जीते आप दिखाओ, बिल्कुल क्या है इसके अंदर, लकी विनर में ये जीत गए हैं। सर इधर दिखाइए थोड़ा कैमरे में, मैं आपके पेंडेंट है, डायमंड का पेंडेंट, वाह इमेजिन, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। मैं मिस वर्ल्ड फिटनेस फिजिक हूं और अवार्डेड फिटनेस आइकन, ठीक है, क्या कहेंगे आज के अवार्ड के बारे में? ओके, हाय एवरीबॉडी, आप सभी दर्शक जो हमारे बॉलीवुड अड्डा के हैं और जो मुझे देख रहे हैं, मैं श्वेता राठौड़ हूँ, और मैं इंडिया की फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने मिस वर्ल्ड दिस एशियन हैट्रिक मिस इंडिया जीता है, एंड मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया था, एंड मैं नॉमिनेटेड थी फिटनेस सेलिब्रिटी कैटेगरी के लिए, और मुझे खुशी है कि आई गॉट एन अवार्ड ऑफ फिटनेस सेलिब्रिटी। ये अवार्ड फंक्शन जो है, और इस तरह के जितने भी अवार्ड फंक्शन होते हैं, मेरा ये मानना है वो एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है, सारे तरह के लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, जैसे एक्टर भी थे यहाँ पे, मीडिया के भी लोग थे, और फिटनेस इंडस्ट्री के भी लोग थे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है उसको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो और अच्छा काम करें। सो या आई विशिंग ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और आई थिंक नेक्स्ट अवार्ड फंक्शन भी नवंबर में कर रहे हैं, तो जो भी इनको सपोर्ट चाहिए, मैं हमेशा यूथ के लिए हूँ, और स्पेशली गर्ल्स और फीमेल के लिए आई ऑलवेज बीन देयर फॉर द गुड कॉज, तो जो भी मेरे से हो सकेगा आई ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम, एंड इन द मीन टाइम बी फिट बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू बॉलीवुड अड्डा। मैडम फिटनेस मंत्र, ओके व्हाट इज द फिटनेस मंत्र? फिटनेस मंत्र इज, देयर इज नो सीक्रेट ऑफ फिटनेस मंत्र, अगर आप देखें, अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि आपका फिटनेस सीक्रेट क्या है, तो मेरा ये कहना है कि पहली बात ये है कि सीक्रेट कुछ है ही नहीं, एवरीबडी इज नो कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, बस आप मेंटली और फिजिकली तालमेल बना के रखने की कोशिश करें, ज़्यादा दुख पर ज़्यादा दुखी ना हो, और बहुत खुशी के ऊपर आप बहुत बिल्कुल साथ में आसमान पे ना चढ़े, आई थिंक आपकी जो बॉडी है वो आपके साथ हमेशा रहने को है, और इसी के साथ आपको रहना है, तो ये हमेशा याद रखें कि दोस्त प्यार फैमिली सभी बहुत ज़रूरी है, उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका आपके खुद के साथ रिश्ता, तो आप अच्छा खाएँ, अच्छा वर्कआउट करें करें और खुश रहें, यही दिस इज द फिटनेस मंत्र फॉर एवरीबॉडी। मैडम नवरात्रि की अभी आया है, उसके बारे में उसका शुभकामनाएं जी? मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी को, बिकॉज मैं भी नवरात्रि की 9 days फास्ट रखती हूँ, और आई बिलीव इन माता रानी सोमा, सो जय माता दी, और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आपको बहुत सारी शक्ति दे, हैप्पीनेस दे, सो विशिंग एवरीबॉडी हैप्पी नवरात्रि। हाय एवरीबॉडी, दिस इज श्वेता राठौर, और आप सभी देख रहे हैं बॉलीवुड अड्डा, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, थैंक यू सो मच।
एक्टिंग कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म आने वाली फेस्टिवल में गई है आइज ऑफ वॉटर, कल उसमें मेरा चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें अध्ययन का कैरेक्टर सर आज के आपको यहाँ पर वार्ड मिला है सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अपने आप को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, लेकिन मैं अपने आप को भी मोटिवेट करता हूँ। और थैंक यू बोलना चाहूँगा लकी को, स्नेहा जी को, जाफर भाई को कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और ये अवार्ड दिया। अवार्ड जब मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी और लगता है हमें और कोशिश करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, इसलिए ऐसे अवार्ड फंक्शन होते रहना चाहिए। सर हम नवरात्रि है, नवरात्रि के बारे में नवरात्रि आने वाली है तो सभी को शुभकामनाएं, और मैं दुआ करता हूँ माता रानी से कि सभी को बहुत सारी खुशियाँ दें, खुशी दे और सब कुछ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। पहले तो मैडम अपना नाम आप बताइए। हाँ चलो ठीक है, मेरा नाम नगमा अख्तर है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ और काफ़ी काम किए हैं मैंने। मैंने साउथ में एक फिल्म किया है कन्नड़ मूवी जिसका नाम है चाणक्षा, मैंने काफ़ी एड्स किए हैं, सीरियल्स किए हैं और अभी फिलहाल मैंने एक मूवी के लिए शूटिंग अपना कम्प्लीट किया है जिसका नाम है अय्या शुरू में, और कुछ म्यूजिक आइटम्स भी मैंने किए और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मैम इंडियन सेलिब्रिटी फिटनेस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का ये अवार्ड है और आपको भी अवार्ड मिला इसके बारे में क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लकी को थैंक्स कहना चाहूँगी, डॉक्टर स्नेहा देशपांडे को थैंक्स कहना चाहूँगी और इतने बड़े सेलिब्रेशन का मुझे हिस्सा बनाया। और दैन अगेन इंडियन सेलिब्रिटी अवार्ड 2019 में हमने आज पहला ये इनिशिएटिव है उनका, बहुत अच्छा रहा, बहुत अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग फिल्म से आए हैं, सबको अवार्ड मिला है, जैसे मुझे मिला है। So I'm very happy and I'm really looking forward to हर साल इंडियन सेलिब्रिटी अवार्ड आए 2020-2021 बहुत आगे बढ़ जाए, मेरी शुभकामनाएं। एंड देन इन स्नेहा जी का बर्थडे भी था तो उन्होंने केक कटिंग किया, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन। मैडम नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के बारे में कुछ? नवरात्रि आ रहा है तो बस फिर तो डाइट के ऊपर डाइट हो जाता है कि फास्ट रखना होता है, फिर बहुत सारी तैयारियाँ होती है, माता जी का पूजा होता है, फिर हम लोग डांडिया भी मेरे लिए गरबा के लिए तैयारियाँ हो जाती है, तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जब हम फेस्टिवल के बारे में बात करें तो हर फेस्टिवल ही अपने आप में एक बहुत रंगीन चीज है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। पहले तो अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर स्नेहा देशपांडे। और मैडम अपना काम के बारे में? सोशल एक्टिविस्ट और मैंने 20 साल समाज सेवा, मुझे
मुझे 56 अवार्ड्स मिले हमारे महाराष्ट्र से, मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, और अभी लकी ड्रॉ जो लकी थे उनके आज लॉजिक का मुझे गेस्ट भी बुलाया था और मुझे अवार्ड भी दिया गया, और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट भी इधर हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लकी की कि उसने शो बहुत अच्छा किया, मेरा ब्लेसिंग हमेशा उसका साथ रहेगा और वो हमेशा आगे बढ़े, मेरा सपोर्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। और मैं सबको एक करती हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम सब करते रहे, और लकी ड्रॉ यानी सब सेलिब्रिटी आके लकी ड्रॉ ओपन हुआ, सेलिब्रिटी को अवार्ड दिए गए, उनको मेरे तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी दिए गए, रियल डायमंड के और वॉच मैंने सबको गिफ्ट किए हैं। थैंक यू सो मच। मैडम नवरात्रि के बारे में कुछ? अभी नवरात्रि फेस्टिवल आ रहा है गणपति, तो अभी गए हैं नवरात्रि का फेस्टिवल आया है, अभी सब उसके लगे रहेंगे, सब जगह शॉपिंग का माहौल पड़ेगा और लोग सब जगह शॉपिंग करने जाएंगे, अच्छे अच्छे नवरात्रि के प्रोग्राम सब जगह होंगे, और हमेशा लोग ऐसे ही त्यौहार हर साल करते रहे और गरबा अच्छे से करते रहे, शांति रखे, प्यार से सबके साथ रहे, गरबा खेले और सबको कोऑपरेट करें, यही मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार।